सकिए रस रस पाहुन न चलई छति को न सकिए रस रस पाहुन न चलई छति को न। तो दूसरी कहती है हे चलई छति एना, ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे सखी है कोल्हू मुहक बरद घुमैया जेना, सखी है कोल्हू आके ब राम विवाह मैंने गाया, कैसेट बिका लाखों लाख में, उसके बाद सीडियां बिक गई करोड़ में जी। अभी सबसे बाद में गंगा कैसेट वालों ने इसको ने इस पर दिया यूट्यूब पर, मिलियन में इसका व्यू है। मैथिली संगीत मेरे नज़र में प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ा है। आज से 35 साल पहले इतना मैथिली प्रोग्राम करने वाला टीम नहीं था, मैथिली गाने वाले इतने कलाकार नहीं थे। एगो बाप अपना बेटा के कहल के बुआ रू बर खोजने अहिया, तब बेटा कहल के बाबू बर केहन हुई थे, तो बाप कहल के रौ 1822 बरस वाला के बर कहै छै, आ 22-28 वाला के बर नहीं बड़ाठ कहै छै, 28-35 वाला के झड़ाठ कहै छै, 35-40 वाला के सड़ाठ कहै छै, आ 40 वर्षक बादो जकर बियाह करै ला मन हुल हुल करै छै ओकरा बर नहीं ओकरा खरनाठ कहै छै। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं क्या न्यूज़ लाइव। इस समय मैं पहुंचा हूं मधुबनी ज़िले के जगतपुर पंचायत। यहां हम पहुंचे हैं मिथिला रत्न से सम्मानित और कई ऐसे कला के क्षेत्र में पुरस्कार पा चुके कुंज बिहारी मिश्रा के नंदन स्टूडियो पहुंचे हैं, और वहां से कुंज बिहारी मिश्रा ने अपना जो सफ़र तय किया था उस पर सारी बात से आपको हम अवगत कराते हैं। विख्यात कलाकार मिथिलांचल के और साथ ही देश विदेश भी में भी अपनी ख्याति का परचम लहरा चुके हैं। कुंज बिहारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ये केआर न्यूज़ लाइव चैनल पे आप पहली बार आए हैं, इससे पहले हमने भी आपका कई कार्यक्रम देख चुका है और कार्यक्रम में देखे हैं तो आपके हम प्रशंसक भी रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को आपके द्वारा जो गुनगुनाए जो गीत हैं जो प्रचलित गीत हैं, सबसे पहले हम लोग मिथिला में हैं और यहाँ से माता जननी जगत जननी सीता की धरती है, उससे एक पहला गीत का आप शुरुआत करिए। ये भगवती की आराधना करने वाले लोग यहाँ अधिक हैं तो भगवती गीत यहाँ सबसे प्रचलित है, गोसाउनिक गीत जी। महाकवि विद्यापति की रचना। जय जय भैरवि असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिय गोसाउनी अनुगत गति तू माया। जय जय भैरवि असुर भयाउनी वासर रैन शवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतव कदैत्य मारी मुह मेलि कतव उगिल कैल कूड़ा। जय जय भैरवि असुर भयाउनी। आप मिथिलांचल ही नहीं देश और विदेश तक अपने कला का परचम लहरा चुके हैं, और आपके द्वारा जो गाए हुए जो, वैसे तो सब गाना कलाकार का बढ़िया होता है जो उनके द्वारा गाया होता है, कोई ऐसा हिंदी गाना गा के जरूर सुना दीजिए। हिंदी गाना एक गजल है गुलाम अली साहब का, बहुत पॉपुलर है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह,
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझ से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। धन्यवाद। और ये आपने जो अपना कैरियर शुरू किया था कला के क्षेत्र में, उस पे जो कुछ जानकारी हो, जो आपने शुरू किया था, आपको क्या क्या सामना करना पड़ा, उससे ज़रूर अवगत कराइए। हमारी शुरुआत हुई उस ज़माने में, यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, साज बाज इतने अपडेट नहीं होते थे, हारमोनियम और ढोलक का ज़माना था, सेटरिंग मंच और बड़े बड़े मंच नहीं बनाए जाते थे, दो चार चौकी लोग लगा दिया करता था, उस पर कार्यक्रम होता था, माइक इतना डेवलप नहीं था, पूरे मंच पर एक इतना बड़ा कटोरा जैसा माइक छेद के वो टांग दिया, अब उसी में गाइए आप, आपकी आवाज़ आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आप फील कीजिए कि आपकी आवाज़ लोग सुन रहे हैं। अनडेवलप स्थिति था उस टाइम, डेवलपमेंट उतना नहीं था, उस ज़माने से हम लोग गाते बजाते रहे और जुनून कम नहीं हुआ, हौसला कभी गिरने नहीं दिया। परिस्थिति विपरीत भी आई तब, विपरीत परिस्थिति, हम लोग साइकिल से प्रोग्राम किए, रिक्शा से प्रोग्राम किए, टायर से प्रोग्राम किए, ट्रैक्टर से प्रोग्राम किए, उसके बाद बसों से जाने लगे, उसके बाद जीप रिजर्व करने लगे, अभी बाई एयर प्रोग्राम ज़्यादा हम लोग करते हैं, विमान से जाते आते हैं, विदेश भी जाते हैं, देश में भी, तो बहुत हम लोगों ने ये किया, स्ट्रगल किया और हिम्मत छोड़ा नहीं, फाइट किया। श्रोता, मेरा सौभाग्य रहा छोटी सी उम्र से श्रोताओं का बहुत, दर्शकों का बहुत प्यार मुझे मिला, क्योंकि मैं जीनियस था, एक छोटा बच्चा यदि बहुत अच्छा कर रहा हो तो लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला दर्शक का, मिथिला के श्रोताओं का, मिथिलावासियों का। एक बार ऐसा दौर आया जब आपके प्रशंसकों में मायूसी छा गई, और मुझे जहाँ तक याद है कि 2012 ईस्वी में आप एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, तो लोगों ने, आपके दर्शकों में बहुत मायूसी थी, उससे कैसे उभरे, उस पर बताइए। वो संयोग था कि 2012 ईस्वी में हम जा रहे थे बनगांव महिषी सहरसा जिला में, तो वहीं जा रहे थे कार्यक्रम करने, तो हमने किराया पर गाड़ी ले रखा था, वो उस गाड़ी के ड्राइवर अनवाइलेंस हुआ और एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना तो कभी कहीं किसी का भी हो सकता है, उसका कारण 1000 बनता है, दुर्घटना हो गई, 2-3-4 कलाकार गुजर गए, हम भी 80% घायल हो गए, लोग मायूस हुए, लेकिन लोगों की मायूसी हमने खुशी में बदल दी, क्योंकि 2 महीना के बाद ही मैंने गाना शुरू कर दिया। 2 महीना बाद आप रिकवर कर गए? हाँ हाँ, वो सबका प्यार था। ऑपरेशन हुआ था, इसमें स्टील के प्लेट लगे थे, दर्द होता था, गाते थे तो लगता था कि यहाँ सूल चूह रहा है, किंतु लाखों लाख प्रशंसक दुखी ना हो जाए इसलिए हमने गाना फिर से शुरू किया। बिहारी जी, ये मैथिली को जितना डेवलप होना चाहिए था, जो जितना पहले से मैथिली की पकड़ है आपको भी, तो क्या उस अनुसार से मैथिली को स्थान मिल सका, मैथिली संगीत को? मैथिली संगीत मेरे नज़र में प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ा है। आज से 35 साल पहले इतना मैथिली प्रोग्राम करने वाला टीम नहीं था, मैथिली गाने वाले इतने कलाकार नहीं थे, मैथिली के विद्वान भी थे पता नहीं कहाँ थे, सोशल मीडिया नहीं था, लोग जानते नहीं थे एक दूसरे के टैलेंट को। अब तो हर कुछ मिथिलांचल में है, अब तो मैथिली रोजी रोटी की भाषा है,
मैथिली ही वो भाषा है जो माने अष्टम अनुसूची में दर्ज है जी। इसको वैधानिक वैधता मिली हुई है जी। और इसको अष्टम अनुसूची में पहुंचाने वाले डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू जिन्होंने जिनके अथक परिश्रम से बड़ी रेल लाइन हम लोग ये दरभंगा और जयनगर तक देख रहे हैं और अब तो इलेक्ट्रिक रेल भी देख रहे हैं और मैथिली भी अष्टम अनुसूची में गई और मैथिली का मार्केट भी बना। मैथिली से यूपीएससी में बहुत सारे लोग तैयारी करके निकलते हैं और मिथिला का नाम करते हैं। हाँ, मैथिली पॉपुलर भोजपुरी की तरह नहीं है। उसका कारण है कि मैथिली भाषा में फिल्म बनाने वाले की कमी है। कलाकारों के प्रति पैसा खर्च करके अच्छा चीज बनाने वालों की कमी है, इन्वेस्टर की कमी है। मिथिला में एक से एक अरबपति करोड़पति हैं लेकिन वो भी फिल्म बनाते हैं तो भोजपुरी, अभद्रता अश्लीलता लेकर, ताकि अश्लील लोग देखेंगे तो हमारा पैसा निकल जाएगा, डूबेगा नहीं। लेकिन मैथिली में भी पैसा डूबता नहीं है, बशर्ते अनुभवी लोगों कलाकारों को जोड़ा जाए, अच्छा चीज बनाया जाए। हमने हजारों गीत गाया है लेकिन मेरा राम विवाह ही हिट है जी। तो इससे लोगों को सोचना चाहिए। तो राम विवाह पर भी दो लाइन गा दीजिए ना। ठीक है, वो हम आपको सुनाते हैं राम विवाह, दुनिया जानती है राम विवाह को। मेरा मुख्य कहना था कि इन्वेस्टर चाहिए जी मैथिली को आगे बढ़ने उस क्षितिज पर लाने के लिए, क्योंकि इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। और 35 साल पहले मैथिली इतने लेवल में नहीं था, आज तो मैथिली मैथिली मैथिली। हम जैसा कलाकार साल में 15-20 लाख रुपया कमाते हैं ड्यू टू मैथिली। बहुत सारे कलाकारों की रोजी रोटी चलती है, एक कुंज बिहारी से 25 परिवार चलता है, तो मैथिली की बदौलत ही चलता है। तो हमें हीन भावना नहीं रखना कि मेरी मैथिली नीचे है, ग्राफ नीचे है। हमें स्वाभिमान रखना है कि मेरी मैथिली बढ़ रही है। तो वो दिन आएगा, एक एक लोग मैथिली की तरफ आकृष्ट होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ फिल्म उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर होंगे, सैकड़ों में स्टूडियो है, सबको काम मिलेगा। मैथिली रोजी रोटी की भाषा है। राम विवाह मैंने गाया, कैसेट बिका लाखों लाख में, उसके बाद सीडियां बिक गई करोड़ में जी। अभी सबसे बाद में गंगा कैसेट वालों ने इसको ने इस पर दिया यूट्यूब पर, मिलियन में इसका व्यू है, कई मिलियन। तो ये हिट है, सुपर हिट है मैथिली। मैथिली रफी साहब भी गाते थे, रफी साहब से भी गवाया गया मैथिली, लता जी से भी गवा, फिल्मों में भी मैथिली गवाया गया, वो सारा रिकॉर्ड है। मिथिला का एक बेटा में अभी बॉलीवुड में उदित नारायण राज कर रहा है, कौन जानता है कल उदित नारायण जैसे बहुत सारे सिंगर मिथिलांचल से जाएंगे। सही बात। तो मेरा जो हिट था राम विवाह वो था कि उसमें एक गीत सखी है रसे रसे पाहू न चलई छति को न, सखी है रसे रसे पाहू न चलई छति को न। तो दूसरी कहती है हे चलई छति ए न, ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे सखी है कोल्हू मुहक बरद घुमैया जेना, सखी है कोल्हू आके बर। राम साक्षात ब्रह्म है जी, ब्रह्म तत्व है, लेकिन यदि दुल्हा रूप में आए तो मिथिलांचल की परंपरा कहता है, मिथिला की परंपरा कहता है कि दुल्हा बाबू के साथ शादी होने वाले दुल्हा के साथ सखियां हास्य परिहास करती हैं। तो वो महाविष्णु को भी किया गया, पर ब्रह्म को भी किया गया, आज भी दूल्हे को किया जाता है जी। बौर के नाम यदि ढोड़वा है तो तैयो ओकरा ब्याह में यदि माय बहिन गीत गोथिन तो ओकरा कहथिन दुल्हा राम एला है जी। अच्छा, बौर के नाम कहलिए है तो हम अहाँ से चर्चो कर ले चलो कि मिथिलांचल में जे शादी विवाह पर जे एकटा हास्य बनेले छिए कि बौर के 18 साल में विवाह भेले या 22 साल में भेले या 25 साल में, जे उम्र छे उ ही जानबे की उपाधि देल गेल छे। अरे कुछ नहीं छे, हास्य में हम सब कहे छे एगो बाप अपना बेटा के कहल के बुआ रू बर खोजने अहिया, तो बेटा कहल के बाबू बर केहन हुई छे, तो बाप कहल के रो 18-22 बरस वाला के बर कहे छे।
आ 22-28 वाला के बड़ नहीं बड़ाठ कहे 28-35 वाला के झड़ाठ कहे 35-40 वाला के सड़ाठ कहे आ 40 वर्षक बादो जकर ब्याह करे ला मन हुल हुल करे ओकरा बड़ नहीं ओकरा खरनाठ कहे खरनाठ बड़ नहीं है। ओ छोड़ा रही नीलकंठ के भाई अगिलकंठ गदहबेर के जन्मल ओ कहल के बाबू आ बड़ जे 22 साल के लिए भेटत तो 11-11 साल के दूटा नहीं अब बहुत निक बहुत निक। अब एक जे जाए आप कार्यक्रम में जो जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि कुंज बिहारी जी एक ठो झमकौआ एक ठो गीत सुनाइए, तो जो मिथिलांचल का परंपरा और कल्चर है उस अनुसार से। देखिए झमकौआ लोग उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, अलग अलग सेंस से लोग झमकौआ कहते हैं। कोई अश्लील गीत के बारे में झमकौआ शब्द का प्रयोग करता है और कोई फास्ट रिदम फास्ट म्यूजिक के लिए झमकौआ शब्द का प्रयोग करता है। तो हम लोग यहाँ पहचानते हैं श्रोता को जी। श्रोता के बॉडी लैंग्वेज से फेस एक्सप्रेशन से हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, झमकौआ में इसका सेंस क्या है जी। बहुत पहले इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है दोस्त हम दूर से पहचान लेते हैं तो झमकौआ उस सेंस में वो लोग कहते हैं। तो मैंने मिथिलांचल के सभ्यता संस्कृति के अनुरूप एक एक गीत है कि एक पुतोहू जो सास पुतोह है तो पुतोहू के नए साड़ी में सिल्क साड़ी में मिट्टी लग जाता है, तो मिट्टी को कादो हम हमारे यहाँ बोलते हैं अपने यहाँ लोग, तो सास पूछती है को नकादो लागल झंझारपुर श्याम श्याम सुंदर श्याम जी की रचना है जी। ये सिमरा के को नकादो लागल साउथ सिल्क के साड़ी में कनिया बैगन तोरा गेलिए खिया बाड़ी में कनिया ये घीरा देखी किया मन ओकियाइया झिमनी परोर देखी मन गरमाइया सौरा माछ तकई छी पोठिक नाम न लै छी अहा गंजन किया करै छी बुढ़ारी में कनिया बैगन तोरा गेलिए किया बाड़ी में कनिया ये। कुंज बिहारी जी आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुंचे थे कुंज बिहारी कलाकार जी के घर ये जगतपुर, और हम अपने तमाम दर्शकों से ये या जो भी पंचायत चुनाव लड़ने वाले हों भावी प्रत्याशी या जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हो उनको अगर अपने चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह का प्रचार कैसेट वगैरह बनवाना हो तो मिथिलांचल के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं कुंज बिहारी मिश्रा, उनसे कैसेट बनवाइए और अपने चुनाव प्रचार में उसको लगाइए और फिर विजयश्री हासिल करिए, और उनका नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम मिलते हैं किसी और कलाकार के साथ, तब तक आप देखते रहिए KR News Live। धन्यवाद।